रिया हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। रिया, अभी क्या हालात हैं आपके आसपास के इलाकों में जहां आप मौजूद हैं? भूकंप के झटके कितने महसूस किए गए, पूरी जानकारी। जी विवेक, दिल्ली के आनंद विहार इलाके में हम अभी मौजूद हैं और कुछ देर पहले यहां पर भूकंप आया, लोगों में हड़कंप मचा। हालांकि रात का समय है, लगभग 12 बजने वाले हैं, लोगों को मौका नहीं मिला कि वो बाहर आ पाए, पर तेज झटके जो हैं भूकंप के वो महसूस किए गए, हमें खुद महसूस हुआ। अभी जो शुरुआती जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक लगभग 5.9 का ये जो भूकंप है रिक्टर स्केल पर, इसकी तीव्रता बताई जा रही है। और हम पिछले दिनों से देख रहे हैं दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि दिल्ली जो है अर्थक्वेक के जो सीस्मिक जोन्स हैं उसमें दिल्ली नंबर 4 पर आता है। तो ये जो है ये दर्शाता है कि भूकंप के लिहाज से दिल्ली में जो हम देखते हैं कि झटके जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हमें देखने को मिलते रहे हैं। और आज भी जो था, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिक्टर स्केल पर लगभग 5.9 इसकी तीव्रता जो है वो बताई जा रही है। हालांकि अभी शुरुआती जानकारी में जो इसका केंद्र है वो भी नेपाल बताया जा रहा है, पर पूरा जो उत्तरी भारत है उसमें इसके झटके महसूस किए गए। दिल्ली में भी हम आनंद विहार इलाके में मौजूद हैं, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि जो भूकंप होता है उसकी तीव्रता इतनी नहीं होती कि लोगों को पता चले और टीवी के माध्यम से लोगों को पता चलता है, पर अभी जो भूकंप आया उसे लोग महसूस कर पाए, उसे हम खुद महसूस कर पाए और काफ़ी एक तेज भूकंप का झटका जो है वो दिल्ली में महसूस किया गया। विवेक, तो ये अहम जानकारी दे रही हैं रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। मनोज्ञा भी हमारे साथ बनी है। भूकंप के झटके आए हैं और झटकों के बाद लोग घर से बाहर निकल गए। आनंद विहार से मेरी सहयोगी रिया मौजूद हैं। 6.4 तीव्रता मापी गई है रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की, 6.4 तीव्रता की तेजी से यह भूकंप आया। दिल्ली NCR की धरती हिली। खबर है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। फरीदाबाद में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। गुड़गांव जो है, गुरुग्राम, अब का पहले का गुड़गांव, अब का गुरुग्राम, वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 6.4 तीव्रता, नेपाल में था इसका केंद्र। मनोज्ञा हमारे साथ बनी हुई है। मनोज्ञा, इस तरह से एक पैटर्न देखें तो पिछले कुछ दिनों से नेपाल में केंद्र होता है और दिल्ली NCR का इलाका और जो इससे लगे हुए इलाके हैं। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसात, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, एक घंटे सिर्फ आपके साथ, भारत की बात, रोहित सिंह सावल के साथ, सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।